कि जिथे आप गुरु की संगत में जुड़ते हैं और सतगुरु का हुक्म है पियो पाहुल खंडे तार होए जन्म सुहेला। आ जिहड़ा जन्म प्राप्त होया है ये उसकी कृपा दे नाल होया है ते इस साकारथा तां होना है जदों आपां गुरु के बचन मन्नांगे, गुरु की दसी मर्यादा अनुसार अपने जीवन नूं बसर करांगे। जिन्हां ने अमृत पान कीता है वधाई दे पात्र ने सतगुरु होर, कृपा करन उन्हां नूं चढ़दी कला बाणी ते बाणी दे धारनी बनाउण, बाणी पढ़न दा सतगुरु बल बख्श। पर जिहड़े अजे तक जिन्हां ने अमृत पान नहीं कीता सतगुरु की कृपा तो वांझे ने, उन्हां नूं भी बेनती है भाई ज़्यादा सोचना नहीं है, अमृत पान करके, अमृत पान करके गुरु वाले बनना है और गुरु दियां बख्शां धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे, माता साहिब देवा जी दे पुत्र धियां होण दा सन्मान प्राप्त करना है। ये मेरी बेनती है क्योंकि ये समा आपां इस समागम मनाउंदे आ बड़ा समा हो गया ते नाल नाल ये भी यतन करिया करिए कि परिवारां दे सहित अमृत पान करके अमृत छक के गुरु वाले बणीए ते बाणी दे धारनी बणीए, बाणी पढ़िया करिए घरां विच। ये नहीं अज पढ़ लई, घरां विच बाणी दे पाठ करिया करो, जिहड़े करदे ने वह वधाई दे पात्र ने, सतगुरु उन्हां नूं होर कृपा करना। पर जिहड़े अजे तक नहीं जुड़े उन्हां नूं बेनती है भाई कल तो ही नितनेम बाणी पढ़नी शुरू कर दिओ, बच्चों नूं बाणी नाल जोड़ो, बच्चों नूं गुरबाणी दे धारनी बनाओ, जिथे उच्ची तो उच्ची विद्या आपां अपने बच्चों नूं दवाउने आ। सो ये गुरमत की पढ़ाई भी कराया करो ता जो सतगुरु हमेशा बच्चे साडे गुरमत दे धारनी होण ते गुरु नूं जपण वाले होण और गुरु की मर्यादा अनुसार अपना जीवन बसर करन। ये मेरी बेनती है, यतन करना है, ज़्यादा सोचना नहीं। सतगुरु कहिंदे ने क्या सोचा बारंबारा, बार बार सोच विच नहीं पैना कि अमृत बड़ा औखा है, किवें किवें पान करांगे, किवें जीवन अगला बतीत होवेगा, कोई औखी बात नहीं है। मेरी बेनती है अमृत छक के गुरु वाले बनना है और सतगुरां दियां बख्शां प्राप्त करनियां ने।